आज जायका विद संगी में बन रहा है स्ट्रीट स्टाइल मसाला पाव। इसका वीडियो मैंने पहले भी शेयर किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज के वीडियो में लेटेस्ट मसाला पाव को पीसेस करके सर्व किया जाता है, उसी तरह हम भी सर्व करेंगे। तो उसके लिए पैन मैंने गरम करने रख दिया है और उसमें हम डाल देंगे 3 टेबलस्पून बटर। अब यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए हैं और उसे मैंने बारीक कट करके ले लिया है, उसे हम डाल देंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट, बस इसका कच्चापन निकल जाए तब तक हम इसे कुक कर लेंगे। अब इसमें हम टमाटर मिला देंगे, ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इसे भी मैंने छोटे छोटे कट करके ले लिए हैं। मीडियम फ्लेम पर इसे हम पका लेते हैं, इसे हमें ओवर कुक नहीं करना है। 1 मिनट के बाद हम यहाँ पे शिमला मिर्च और बीट ये दोनों डाल देंगे। यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च लिया है, जिसे मैंने बारीक कट करके ले लिया है, और 1/4 बीट को ग्रेट करके ले लिया है, कद्दूकस करके ले लिया है, इसे हम मिक्स कर देते हैं। अब कैप्सिकम और बीट को ज़्यादा कुक नहीं करना है, हम इसे क्रंची रखेंगे तो ही हमारे इस रेसिपी में बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब हम ड्राई मसाले इसमें ऐड कर देते हैं। 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद हो तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। बस इसे हम मिक्स कर देते हैं, स्वादानुसार नमक ऐड कर देते हैं। इसमें 2 टेबलस्पून इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, ताकि ये जो मसाले हैं वो नीचे ना चिपक जाए, बस इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। टमाटर को हम हल्का सा स्मैश भी करते जाएंगे, एकदम झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। हमारे इस मसाले का बीट डालने से देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। तो ज़्यादा बीट ना डालें, बस कलर के लिए हमने 1/4 जितना थोड़ा सा कद्दूकस करके इसमें डाल दें। अब हम इसमें पाव के टुकड़े करके डाल देंगे। मैंने इस तरह से पाव के टुकड़े करके ले लिए हैं, ये करीबन 6 पीस है, वो डाल देंगे हम और इसे मिक्स कर देते हैं। ये मसाला अच्छे से पाव पर कोट हो जाना चाहिए, तब तक हमें इसे मिक्स करके ले लेना है। और जैसे ही ये मिक्स हो जाता है, हमें तुरंत गैस ऑफ करके तुरंत इसे सर्व कर दें। तो इसे फटाफट गर्मा गर्म इसे सर्व कर दिया है। अब इस पर हम चीज़ ग्रेट कर देंगे और ऊपर से हम थोड़ा सा प्याज और हरे धनिया डाल देंगे। बस ये सर्व करने के लिए तैयार है। उम्मीद है आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय।